तो चलिए आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं जानू स्टंट के बारे में। तो जानू स्टंट का द बकलोल टीवी के चैनल से एक पॉडकास्ट आउट हुआ जिसमें वो आमिर माजिद पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे। लोग आपको आमिर माजिद के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती कंपैरिजन क्यों करते हैं भाई। मैं स्टंट राइडर हूँ, राइडर है, डिफरेंस है दोनों चीजों में। क्यों स्टंट राइडर के साथ कंपैरिजन करो ना, फिर आएगा मजा। आपकी और आमिर माजिद की होती है बातचीत वैसे? कभी नहीं, नहीं पहले होती थी। दोस्त हो? नहीं 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 है, पहले थे। तो अब क्यों नहीं भाई? देखो मैं हूँ अकेला, ठीक है, जम्मू में। आमिर माजिद को छोड़ के कोई एक ऐसा क्रिएटर बता दो जिसके साथ मेरी बातचीत नहीं है और मेरे उसके साथ व्लॉग नहीं आते। नहीं नहीं, मैंने भी फोन किया था, आपने बड़े अच्छे से बोला, बड़े अच्छे से आए, ठीक है ना। मैं मतलब मैं चलो ऐसे बोलेंगे लोग अपनी तारीफ कर रहा है भाई, पर मेरी हर किसी के साथ बनती है। जी एंड गेम है, हर किसी के, कोई ऐसा ब्लॉगर कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मेरी हर किसी के साथ बनती है, और एक बंदा ऐसा है जिसकी भाई किसी क्रिएटर के साथ नहीं बनती। तो भाई ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाली बात है, कुछ तो बात होगी ना ऐसी जिसकी वजह से भाई उसकी नहीं बनती किसी के साथ। एंड इसी पॉडकास्ट में वो अपना यूट्यूब इनकम भी रिवील किए कि वो पर मंथ यूट्यूब से कितना रुपए अर्न करते हैं। पहली यूट्यूब इनकम आपकी कितनी थी भाई? 5 लाख। पहली यूट्यूब इनकम भी 5 लाख थी आपकी? उस टाइम सारी वीडियो भाई मिलियन में थी। क्या बात है यार। और अभी अगर बात करें जानू स्टंट्स, एक साल से ज्यादा हो गया आपको यूट्यूब को, तो अभी की मंथली इनकम यूट्यूब से सिर्फ कितनी आती होगी भाई? ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, अप्रॉक्स अगर आप बताना चाहो तो। मतलब इतनी आ जाती क्या हर महीने भाई? RC 390 ले सकते? नहीं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद एंड यूके जुर्सेमैन राइडर के बारे में। तो क्या ये दोनों फिर से लद्दाख राइड पर जाने वाले हैं? तो आमिर एंड यूके जुर्सेमैन दोनों की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरीज आउट हुई जिसमें दोनों लद्दाख राइड करने की बात कर रहे हैं। पहले आप आमिर माजिद का स्टोरी देख लो, उसके बाद यूके जुर्सेमैन राइडर का देख लेना। बाकी लद्दाख राइड के लिए कौन कौन तैयार है? 10,000 कमेंट्स है मुझे पहले एपिसोड पे भाई, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। 10,000 कमेंट आने ही चाहिए भाई, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करने वाला है। लद्दाख की जो सीरीज़ रहेगी तो ये बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत ख़तरनाक रहने वाली है, तबाही रहने वाली है। तो 10,000 कमेंट्स कल वाले ब्लॉग के बाद आई थिंक लद्दाख की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाए। और ओके गाइस, हम सब लोग ना एक चीज़ सोच रहे थे, लद्दाख राइड ऑन बाइक्स। क्या बोलता है? सारी सुपर बाइक्स निकाल, तू जीनो से चला लेगा, भव्या हायाबुसा से चला लेगी, मैं डुकाटी या फिर S1000RR, क्या बोलते हो? कब? इनसे पूछो कब, बताओ यार। हम लोग तो सोच रहे हैं कल परसों में निकल जाएंगे। स्टोरी पे अगर 10,000 रिप्लाईज आते ना तो इसको तो 900 में बिठाएंगे। और भव्य आया भूसा इस बारी पूरी जितनी हमारी बाइक से लगाई सबके साथ हम लोग निकल जाएंगे। बताओ गाइस, हायाबुसा बोलो, सारी बाइक्स राइड पे आपको लद्दाख राइड देखनी है, किसी ने नहीं करी होगी 6 सुपर बाइक्स। तो आप किसके लद्दाख राइड के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, आमिर माजिद या यूके जुर्सेमैन राइडर? हमें कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जट प्रज्योत के बारे में। तो आपको पता होगा कल ही अपनी H2 का डिलीवरी लिए थे, तो अपने आज वाले ब्लॉग में वो अपने हेटर्स के बारे में बात करते हुए कुछ ये कहे। आप इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लो। इस बाइक की आवाज से ना बहुत लोगों की नींद उड़ने वाली है, मुझे पता है, पक्का पता है। क्योंकि होता क्या ना, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं ना, बहुत सारे बंदे होते चिढ़ने वाले, अरे भाई इसने ये कैसे कर लिया, इसने वो कैसे कर लिया। कभी भी चिढ़ो मत, वो काम आप लोग भी करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। चिढ़ते रहोगे ना अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने बहुत से बंदे देखे हैं ऐसे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द वाइल्ड उल्फ के बारे में। तो आपको पता होगा ये अभी श्वेता के साथ वीडियो बनाते हैं, तो इसी चीज से रिलेटेड उन्हें किसी ने थ्रेट कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, आप खुद देख लो। और रही बात जो हेट करने की बात है ना भाई, हेट करने से भाई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम मेरा, ठीक है? जो भी है ना, जो हेटर्स है ना मेरे लिए, अभी ये जो लड़की है ना मेरे साथ आती है, ओके, अब वो बॉन्ड जो है ना इससे पूछो कि इसका और मेरा क्या है बॉन्ड, वो खुद बोलेगी लड़की, ठीक है? पहले तुम मुझे ये बताओ, अगर बॉन्ड है वो हम दोनों का है, हम दोनों को पता है कि हम दोनों कैसे हैं। नहीं वो चीज़ मैं मेरी फैमिली को भी पता है। हाँ, अगर मेरी फैमिली मना नहीं कर रही है तो ये लोग कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले कि इन दोनों को अलग कर दो? जो भी बोल रहा है मेरे लिए, बट मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये तो ज्यादा होगा, कल को ये मेरे साथ है ना, इसको कुछ होता या मुझे कुछ होता किसी और की वजह से, सारा ब्लेम तुम पे आएगा भाई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलविस यादव एंड पायल गेमिंग के बारे में। तो आपको पता होगा इन दोनों के बीच अभी क्या सीन चल रहा है। एलविस के रिसेंट ब्लॉग में किसी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप पायल गेमिंग के साथ BGMI खेलो, तो इसके ऊपर वो रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे। जब जनता कह रही थी कर लो पायल के साथ भाई मैच, क्या कर दूं पायल मैच? अबे भाई लड़की वो ना बड़े खेलती है और वो मुझे हरा देगी तो क्या हो गया? और अगर कोई लड़की हमें हरा दे तो फिर मंजूर नहीं। नेक्स्ट हम बात करने वाले पारस ठकराल एंड इनकी वाइफ स्नेहा सचदेवा के बारे में। तो आपको पता होगा पारस ने स्नेहा पर गोल्ड डिगर का एलिगेशन लगाया था, तो आज स्नेहा की तरफ से क्यूने वीडियो आया जिसमें वो इस एलिगेशन पर पारस ठकराल को रिप्लाई करते हुए कुछ ये कही। गोल्ड डिगर का एलिगेशन पे क्या कहना है आपका? प्लीज आई नो यू आर द प्योरेस्ट सोल, तो पहले तो थैंक यू सो मच। बाकी ये गोल्ड डिगर वर्ड, ये तो बहुत ही घटिया वर्ड है जो यूज किया गया है, और गोल्ड डिगर का मतलब शायद उनको भी नहीं पता कि उन्होंने यूज तो कर दिया। बट एक बात आप बता दीजिए कि आपके पास शादी से पहले क्या था? हम दोनों ने साथ कमाया, और अगर मैंने अपना कमाया हुआ अपना हक मांग भी लिया तो उसमें क्या गलती है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अपना कमाया हुआ मांगा, उनसे तो कुछ भी नहीं मांगा मैंने।
तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि उसमें गोल्ड डिगर का टाइटल दे दिया गया मुझे। ये एलिगेशन बहुत ही घटिया यूज किया गया, और जिसने किया है प्लीज इसको अपने आप वापस ले लो, मैं तो यही कहूंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले फुकरे इंसान एंड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो फाइनली ये दोनों बिग बॉस ओटीटी में जा चुके हैं। जी हां, कल बिग बॉस का टीजर आउट हुआ जिसमें ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं, एंड फुकरे इंसान अपने रिसेंट वीडियो में इससे रिलेटेड बात करते हुए कुछ ये कहे। मत बोलो भाई, मत बोलो ऐसा, मैं सलमान भाई से मिलने वाला हूँ बहुत जल्दी। ऐसा भी हो सकता है जब ये वीडियो है तो मैं सलमान भाई के साथ ही खड़ा हूँ। इफ यू नो यू नो, जो भी हो जहाँ भी हो, मेरे को देखना जरूर, मेरे को सपोर्ट करना और मुझसे प्यार बनाए रखना, बिकॉज यू नो आई लव यू। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, गुड बाय।